यहाँ नानू भी उठ चुका है, नानू की चाय और रोक्सी पता नहीं क्या सोच रहे हैं। और आज हम ये सब्जियाँ भी आ चुकी हैं और आज हम खाने में बना रहे हैं, यहाँ बॉयल हो रहे हैं छोले, ये बन रही है खीर, वो दूध बॉयल हो रहा है और यहाँ हमने लगा दिया है वो पूरी का आटा। ये मैंने ये आरती ने बनाए थे पेड़े, तिल और मावे के पेड़े हैं ये, तिल डाल के बनाए हैं। हमारे आलू के ना सबसे ज्यादा आते हैं, तो पेड़ा खा लिया तो मैंने कहा दूध के पेड़े बना दे, तो तिल डाल के सुना मैंने, तिल से बातों कम निकलते हैं। तो और सब भी खाएंगे, आप चाय ले लो, आप एक प्लेट ले दो चाय के साथ। आप कटिंग करवा के आज दिमाग में आई फिर मतलब एकदम पता नहीं दिमाग में, और आगे किया तो आगे ना आएगी दुकान खुली पाई, वो कहने लगे जी मैं तो सफाई करने के लिए आया था, बाद में बताई इसने। अच्छा मंगलवार था, कोई नहीं बाबा करेगा ऐसी बात, में आ गया आप और मैं तो सफाई करने आया था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। यहाँ ये तैयारियां होगी स्टार्ट, आज आ रहा कविता का भाई, और ये होटकेस निकाल के लाए हैं, ये मेरे पापा के हाथ का है, पापा ने मेरी शादी के अंदर दिया था ये होटकेस, ये दो है, आजकल तो ऐसे कम मिलते हैं, एक साथ दो जुड़वा मैंने नहीं देखे, पता नहीं मिलते होंगे। और ये मेरी मिक्स रेस तैयार हो गई, ये छोटे ने बनाई थी, और ये छोले गाढ़े गाढ़े, ये खीर, और ये पूरियों का आटा, ये धनिए की चटनी, और मेरे तैयार हो चुके हैं ये वाइट चावल जो छोलों के साथ लेगा, और ये हो गए मेरे मटर वाले चावल भी तैयार। जो गाय जो गैस टाने थे वो आ चुके हैं और अभी आए हैं, आरती गई है पानी देने, और हम कविता के लिए एक साड़ी भिजवा रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको कौन सी थी। तो गाइज ये मेकअप किट भिजवा रही हूँ, उसके लिए चूड़ी और मेकअप किट है छोटा सा, और इसमें मैंने इस साड़ी के साथ की चूड़ियाँ रखी है, और इसमें मैंने रेड वाली चूड़ियाँ भी रखी है, और ये साड़ी मैं उसको कविता के लिए भिजवा रही हूँ। फ्रूट और मिठाई वगैरह सारी जो भी है वो भी डालूंगी इसके अंदर, अभी तो मैंने वैसे नॉर्मल सी पैकिंग की है इसकी, और अभी मैं उनके लिए चाय बना देती हूँ। उनका नाश्ता रख गया है ये, और ये आरती ने पहले डाल के रख दिए थे और अब बना रही है चाय। आरती हमेशा आने वालों को सोने के कप में चाय पिलाती है, सोने की डंडी लगवा रखी है, हमें टूटन भी कौन लग रही। सो गाइस बहुत ही बढ़िया कप निकले हैं, ये तो बहुत अच्छे कप निकले हैं हमारे, ये हाँ बेलियों के पुरिया, अच्छा हाँ थोड़ी सी गिर ले, कुछ एक है अच्छा, कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है, ले लो ये ना सोचो कि अब तो रिश्ते जुड़ गए भाई, कोई ऐसी बात नहीं है, रोक्सी इधर मैं भी बिस्किट देती हूँ, आ जा नानू किसको ऊपर छोड़ गया बेटा, डिश नमकीन, हाँ नमकीन डाल, कोई ऐसी बात नहीं कविता के घर से आए चिकू, केले और मिठाई का डिब्बा बुना है बाइक पर आए को। अब आ गई है वो घड़ी जिस घड़ी का सुबह से इंतजार चल रहा था। सो गाइज ये कविता के भाई लगन देने जा रहे हैं पापा को, नहीं पापा ये तो आपका है निमंत्रण, कर ले
बचना पड़ेगा आइए पढ़ लेंगे थोड़ी सी तेज तेज मारे लोग मैं सुनेगा नहीं तेज तेज बोली छोटी श्री गणेशाय नमः एक लगन पत्र एक कलावे की गुच्छी पांच गांठ हल्दी पांच सुपारी दूब के नाल लगन में एक नारियल कलावा बांधा हुआ है वार फेर परम वर्मा वेदांत विदो वदंती परम प्रधानम पुरुष तथान्य विश्व गते कारणमीश्वर वहा तस्मे तमो विघ्न विघ्नाशय जननी जन्म सुखान्या वर्धनी कुल संप्रदाम पदवी पुण्य नाम लक्ष्य मंगल्य माशोत्तमे माघे मासे शुभे कृष्ण पक्षे शुभ तिथो ग्यारस वासरा दिवंते यातम वर नाम चिरंजीव श्रीमान जी रजत जी कश्य राही हिसार धर्म मूर्ति धर्म अवतार श्रीमान रविंद्र तथा श्रीमान देवेंद्र कुमार श्रीमान संदीप श्रीमान संजीव श्रीमान शांतनु तथा श्रीमान रवीश तथा समस्त लघु दीर्घजनों की इत योग लिखितम उगालना से श्रीमान जी फूल जी तथा श्रीमान जी सीताराम जी सभी को राम 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 पंडित जी के समस्त राम राम जी जय शाम की 6 बजे का टाइम है। हाँ जी जैसा भी करोगे मतलब जो भी है आपको जितना पता है उस हिसाब से हमें भी इतना क्यों भी कहने लगे कोई और कुछ कर, मतलब हमें करना होता है ऐसा कुछ ना संकोच करना अरे हल्दी हल्की होती है छोटी अरे गर्म पानी कोई नहीं मैं बाद में उठा ये आज सुबह में आए हो भाई के नाते बनता है खाली है थोड़ी ना जाओगे नहीं नहीं खाली आप नहीं पापा नहीं नहीं कोई बात नहीं सगाई पे अलग होएगा तो आप थोड़ी ना खाली जाओगे बहन के घर से नहीं नहीं खाली नहीं 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 ये आपका आशीर्वाद है ये नहीं सचिन नहीं नहीं सचिन ये आशीर्वाद है ये तो आशीर्वाद कविता को दे देना नहीं क्यों ये भाइयों के लिए नहीं है क्या बताओ पापा पा दे छोटी थैला दे छोटी को दे दे सारा में डाल लेगा नहीं इतना छोटी है मैं पढ़िया बिना रो क्या हाँ Okay,
अच्छा सचिन, हाँ हाँ, हवा ठंडी होगी। सो गाइस अब घर समेट लेते हैं। अरु खाना दे दो, तेरे को देती हूँ। तो कब होएगी भूख आज तेरे को? छोले चावल यहीं बैठ के खा ले अपने आप, दे दो हैं। गाइस आज हमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, बस अब खाना खाएंगे। चार बज चुके हैं और वो लोग अभी गए हैं, तो अब मैं पहले थोड़ा सा घर समेटूंगी और उसके बाद खाएंगे हम। खाना बना के रख रखा है हमारा, पूरी और छोले, और पहले रात का भी डिनर हमारा तैयार है। तो अब मैं पहले समेट लेती हूँ, फिर उसके बाद खाऊंगी। क्योंकि अब हम खाया हुआ रात को, तो देखो हम थोड़ा बहुत कोई ब्रेड दूध ही लेंगे, क्योंकि अब खा लेंगे। चार बज रहे हैं। हाँ, ये तो वैसे भी मीठा मुंह करते 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 जैसे पेट भरसा गया।